नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की बेहद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल जो पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई है उस मीटिंग के दौरान कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जैसे कि लगभग 40 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है। ये जो मीटिंग हुई है नीतीश कुमार की अध्यक्षता मीटिंग हुई है, उस टाइम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे इस मीटिंग के दौरान। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए क्या कुछ निकला है, क्या कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को इस मीटिंग के दौरान फायदा होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डीपली जानेंगे और आप लोगों को सारी चीजें दिखाएंगे कि इस मीटिंग में कितने प्रस्तावों पे मुहर लगी है। तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को एक बेहद ही दुखद घटना दिखाने जा रहे हैं। ये घटना है सहरसा ज़िले की 22/11/2023 की एक खबर है। दैनिक भास्कर में ये खबर छापी गई है कि जो पटना में विरोध प्रदर्शन कर रही थी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ, जिसमें कि लगभग बहुत सारी सेविका सहायिका बहनों को पुलिस के द्वारा पिटाई की गई थी, जिसमें कि एक सहायिका बहन को बहुत ही गंभीर चोट लगी थी। तो बीते दिनों इनकी जो है कि अस्पताल में इनकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। ये खबर दिखाते हुए हमें भी बेहद दुख हो रहा है, जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहन के साथ ये सहायिका बहन भी अपनी मांगों को लेकर उस प्रदर्शन में शामिल थी और अब आप लोगों के बीच ये सहायिका बहन नहीं रही। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बहन को आत्मा की शांति ज़रूर मिले और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी आत्मा को शांति के लिए आप कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें। और सरकार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके परिवार के लिए कम से कम 5 लाख रुपये की जो सहायता राशि है वो मुहैया कराई जाए और इनके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। तो इनको मदद ज़रूर की जाए, मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी। और इस दुखद घटना को सुनकर हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जो महासचिव कुमार बिंदेश्वर सिंह जी हैं, उन्होंने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि इस मृतिका सहायिका के पति को तत्काल 10 लाख रुपए मुआवजा एवं उनके आश्रितों में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। तो ये खबर बहुत ही दुखद है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए। तो हम सभी सेविका सहायिका बहनों से यही उम्मीद रखेंगे कि ये जो सहायिका बहन की मृत्यु हुई है इसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अपनी मांगों को सरकार से अवश्य पूरा कराएंगे ताकि इनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिले। तो आइए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। जो बिहार में कल नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई है उसमें किन किन प्रस्तावों पर बात की गई है, तो देख सकते हैं बिहार में सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ा, रोजगार के लिए मिलेंगे 2 लाख, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्ताव पास। यानी कि कल जो बैठक हुई है उसमें कुल मिला के 40 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें सरकारी कर्मियों का डीए बढ़ाया गया है, रोजगार के लिए 2 लाख रुपये मिलेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात हुई है। तो देख सकते हैं कि बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए चुनावी मौसम नज़दीक आने के साथ साथ जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए केंद्र से अनुरोध करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है, इसके साथ ही अन्य प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। तो बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी सेवकों के लिए सरकार ने महंगाई भत्ता में इजाफा करने का निर्णय भी लिया है। कुल 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, यानी डीए को 22% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है, लेकिन पिछली 2 बैठक से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी। अब बुधवार को इस पर निर्णय ले लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि मेरा अनुरोध है कि बिहार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार को शीघ्र ही विशेष राज्य का दर्जा देगी।
तो देख सकते हैं इस प्रकार से तमाम ऐसे 40 प्रस्ताव जो हैं वो कल की कैबिनेट मीटिंग में पास की गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस कैबिनेट मीटिंग में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों के लिए कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, जबकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस कैबिनेट मीटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि इस मीटिंग के दौरान जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं उनकी मांगों को रखा जाएगा या उनके ऊपर कुछ विचार किया जाएगा, उनकी मांग को या उनके मानदेय को बढ़ाया जाए। ऐसी कोई भी बात उस मीटिंग में नहीं रखी गई, तो ये भी एक बहुत दुखद खबर है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के लिए। इस मीटिंग से आपको काफ़ी सारी उम्मीदें थी, आपको इस मीटिंग से कोई भी फायदा नहीं मिला है। तो सरकार जो है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के दर्जा के लिए यहाँ पे जो है कि मांग कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों की जो मांगें हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है। तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इस कैबिनेट मीटिंग से आप लोगों को क्या क्या उम्मीदें थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।